तो क्या मजा आ रहा है आपको घूमने? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वाह, तो फिर तो हमारा नाव का राइड अब पूरा होने वाला है। अब हम लोग उस पार से इस पार आ गए, पूरा राइड ले लिए। अब हम लोग किनारे पे पहुंचने वाले हैं। फिर पानी बड़े मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए, थोड़ा सा इधर उधर हुआ पानी में आराम से। हाँ तो पंडित जी, यहाँ पे जो बालू बाजार का मेन चीज मनाया जाता है, जो गंगा स्नान करने के लिए आते हैं लोग। हाँ। तो गंगा स्नान किसी नीति के लिए आते हैं, जैसे कोई पूजा होता है या कोई प्रार्थना होता है या मन्नत होता है? हाँ। हम लोग एक्चुअली में हंसी मजाक में ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब आए हैं यहाँ पे चकला। हम लोग चकला की तरफ से किशनगंज जा रहे थे, तो सोचा कि चलो यहाँ पे भीड़ भाड़ देखा तो पता चला कि बालू बाजार है, तो सोचे क्यों नहीं इस बालू बाजार में हम लोग चल करके छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को दे देते हैं। तो चलिए हम लोग बैक का भी व्यू आपको दिखा देते हैं और आगे चलते हैं। आगे भी भीड़ भाड़ काफी है, वहाँ पे भी आपको लेकर के चलते हैं और उधर दिखाते हैं मंदिर राजस्थान चलता बालू दिखा दो। राजस्थान बोलना? हाँ, राजस्थान नहीं रेगिस्तान। अच्छा रेगिस्तान, रेगिस्तान याद दिलाओ तब ना, भूले गए है। अच्छा फिर भूले जाए कौन? भूले गए तब ना, राजस्थान राजस्थान की बोले स्कूल दिला कन्या थे बुलवा सको इसको भूले जाई कोखना कोखना हमरा देखछी तुम सब देखा मु जो बालू बाजार हो जे रेगिस्तान को क्रॉस कर चुके हैं भाई। हां बड़ी शिद्दत से रेगिस्तान को हमने। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरा एमआर सम्स फन ब्लॉग में। आज जो है लेकर के आया आप लोगों को बालू बाजार। यहां पे पीछे महानंदा है, नानंदा नहीं रे महानंदा है। महानंदा नानंदा को जिस लोगला नाचे तो नानंदा बोलना नहीं, महानंदा है। अच्छा महानंदा है लेकिन यहाँ नानंदा चल रहा है। अच्छा ये भी बता दीजिए है कहाँ पे? ये आपका किशनगंज सिटी से कुल 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ। जो कि 203 किलोमीटर के अंदर ही ये बहुत बड़ा महानंदा है, बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, जो बालू बाजार में जो भी उनका पूजा पाठ होता है वो करने के लिए आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। तो चलिए आपको पीछे ले जा करके महानंदा में दिखाता हूँ। दिक्कत तो नहीं हो जाना पार खनोत? चलो दिक्कत तो नहीं होना, पाला दर्द होंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी इसका फायदा क्या है बताइए? हर साल माघ महीना में इसका गंगा स्नान होता है। हाँ। यही खुशी में ठंडा का मौसम में ही होता है। अच्छा जी। गंगा मैया का प्रार्थना करता है, स्वागत करता है। अच्छा जी। साले साल होगा जी जी। साले साल सब कुछ होगा जी जी। बारह महीना बात बात करके माघी पूर्णिमा में ये क्या बोलता अच्छा, गंगा स्नान होता है। अच्छा यहाँ पे जो भक्त आते गंगा मैया का इससे हाँ, तो ये कोई इससे कोई प्रार्थना भी कर सकते हैं? हाँ सब कर सकते हैं। अच्छा जिसका जो कामना है वो कर सकते हैं। ओके। मनोकामना है वो ये सब इच्छा सब पूरा। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा नाव का राइड लेकर के देखते हैं नदी में, महानंदा में चलते हैं और घूम करके आते हैं कि राइड लेने के बाद हम लोग को क्या फील होता है, ये चीज आप लोगों के पास शेयर करेंगे। चलो दोलोड़े पुरुम दुनी रे पानी थोड़ी ज्यादा है, अभी नाव के राइड में निकल चुके हैं। मतलब जैसे कि नैनीताल आ गए हम लोग अभी। जी जी। ये नाव का राइड अगर जो शहर वाले ना वो सोचेंगे नाव का राइड होता है क्या, ये देखिए हम लोग गांव वाले हैं, नाव का राइड ले रहे हैं और हम लोग अभी नाव में बैठे हुए हैं। चलते हैं महानंदा को थोड़ा सा घूम करके आते हैं, चारों तरफ से आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ, ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे सामने मेरा भतीजा एमडी नाव का। देखिए चाचा नाव का राइड का मजा ही कुछ है, लेकिन गजब फीलिंग है ये। और हमारे साथ जो था फजलुर रहमान वो भी बहुत मिस करेंगे इस चीज को, करेगा इस चीज को क्योंकि वो चले गया कहीं शादी में। और हमारे भाईजान देखिए ये पीछे हम लोगों को शेयर करा रहे हैं नाव का, नाव के संचालक जी नाव चला रहे जो नाव चला रहे हैं। और इनसे हमारी बात हुई कितने की? इनसे हमारी बात हुई 20-20 की। 20-20 की जी। अच्छा 20 रुपए की बात हुई हमारी इनसे। हम 20 पर हेड पर हेड घूम करके आते हैं। और देखिए हमारे अलावा और भी लोग हैं, देखिए नाव का राइड ले रहे हैं, नाव का राइड ले रहे हैं और मजे कर रहे हैं सबके साथ। गजब का राइड ले रहे हैं नाव पे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे राइड को पूरा कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है रिटर्न फिर किनारे पे अब तक पहुंच चुके हैं। पूरा जो है उधर से एंजॉय करके आ गए हैं और एंजॉय करके आने के बाद अब हम लोग चलेंगे मेले की तरफ। मेले की तरफ यहाँ पे भी काफी भीड़ भाड़ है लोगों का, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना तो इधर भी काफी आपको भीड़ भाड़ नजर आ रही होगी। जी जी। चारों तरफ लोग जैसे कि गंगा स्नान करके बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी फैमिली के साथ आराम से। चलिए हम लोग ना चलते चलते धूप में थक गए हैं, थक गए हैं हम लोग का एनर्जी लो हो चुका है, लो हम लोग गन्ना का एनर्जी हाई रहे हैं, गन्ना का जूस पी करके। ये हमारा भाई जो है ना ये हर जगह हमें पकड़ लेता है, खगड़ा मेला जाते हैं वहाँ पे भी पकड़ता है, यहाँ पे भी पकड़ लिया, कोई ना कोई मिल ही जाता है। चलो अच्छी बात,